अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। दोस्तों आज मैं यहां पे करने वाला हूं अगेन कंपैरिजन ओप्पो F11 का Realme 3 Pro के साथ में, बिकॉज ओप्पो F11 भी एक अच्छी ऑप्शन है, काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको प्रोवाइड करती है मिड रेंज प्राइस सेगमेंट के अंदर। और जब से ये Realme ने Realme 3 Pro को लॉन्च किया है काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन और एक अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है कि आप ओप्पो F11 को बाय करें या फिर Realme 3 Pro को बाय करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सी डिवाइस आपको बेटर वैल्यू प्रोवाइड करती है और आपको किस डिवाइस को बाय करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपके माइंड में वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आए तो आप #AskBabluLahori लगाइए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हर एक उसके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। और आज की वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 1000 लाइक्स, तो जल्दी से यार लाइक्स को भी पूरा कर देना। दोस्तों वीडियो को टू द पॉइंट रखते हुए यहां पे मैं आपको दोनों डिवाइस के जो स्पेसिफिकेशंस है वो डिटेल के साथ नहीं बताऊंगा, बल्कि इसको वीडियो को शॉर्ट भी करना है तो जो मेन डिफरेंस है दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको प्राइस के हिसाब से वैल्यू किसके अंदर मिलेगी और जो इसके दूसरे जो आपके लिए कंसर्निंग फीचर्स हैं परफॉर्मेंस कैमरा और बैटरी शैटरी ये सारा कुछ डाल के किसके अंदर बेटर वैल्यू मिलेगी ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। स्पेसिफिकेशन अगर आपने देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, वहां से जाकर इनके दोनों की स्पेसिफिकेशन भी चेकआउट कर सकते हैं। अब जरा यहां पे बात करते हैं दोनों डिवाइसेस की पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर प्राइसेस की। ओप्पो F11 के अगर यहाँ पे प्राइस की बात करें तो इसकी जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट है उसकी पाकिस्तानी मार्केट्स में ऑफलाइन मार्केट्स में जो प्राइस है वो 40,000 रुपये का रिटेल प्राइस टैग है और फाइनल आफ्टर डिस्काउंट्स आपको प्राइस मिलेगी 36,500 से 37,000 रुपये के आसपास। दूसरी तरफ यहाँ पे बात करते हैं Realme 3 Pro की, तो Realme 3 Pro के दो वेरियंट्स हैं, एक 4GB 64GB वाला जो draas.pk के ऊपर ऑनलाइन ही बिकेगा एक्सक्लूसिवली, और दूसरा जो वेरियंट है ऑफलाइन मार्केट के लिए उसकी प्राइस है 40,000 रुपये और ये 6GB 128GB वाला वेरिएंट है। अब अगर यहां पे देखें दोनों की प्राइस 40,000 रुपए है, आपको फाइनल प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम मिलेगी 36,500 से 37,000 रुपए के ऊपर, लेकिन जो यहां पे डिफरेंस मिल रहा है 2GB रैम ज्यादा है Realme 3 Pro के अंदर और ऑलमोस्ट डबल स्टोरेज के साथ ये डिवाइस आती है। उसके बाद यहां पे बात करते हैं दोनों डिवाइसेस के डिस्प्ले डिजाइन और बिल्ड की, तो ओप्पो F11 का जो बिल्ड क्वालिटी है वो पॉलीकार्बोनेट है, ग्लॉसी सी फिनिश है बैक साइड के ऊपर, फ्रंट पे जो डिस्प्ले है वो ड्यू ड्रॉप वाला डिस्प्ले है, ऑलमोस्ट 6.5 इंच का डिस्प्ले है और गुरिला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, फुल एचडी प्लस आईपीएस पैनल है। इधर बात करें Realme 3 Pro की तो इसका भी तकरीबन सेम है, बिकॉज ये भी ओप्पो का ही सब ब्रांड है तो ऑलमोस्ट सेम चीजें यूज की गई हैं, डिस्प्ले भी 6.3 इंच का है, ड्यू ड्रॉप नॉच है, बिल्ड इसकी जो है वो भी आपको पॉलीकार्बोनेट की मिलेगी, ग्लॉसी सी फिनिश है, ग्रेडियंट से कॉम्बिनेशन है डिस्प्ले के ऊपर, यहां पे भी गुरिला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, तो लुक वाइज भी दोनों डिवाइसेस अच्छी हैं और आपको ओवरऑल भी एक अच्छी सी हैंड फील प्रोवाइड करेंगी। और अब जरा यहां पे डिस्कस करते हैं दोनों डिवाइसेस की परफॉर्मेंस की, कि आपको परफॉर्मेंस किस साइड के ऊपर बेटर देखने को मिलेगी। ओप्पो F11 की अगर बात करते हैं तो मीडियाटेक हीलियो P70 की चिपसेट है 12 नैनोमीटर वाली, प्राइस के हिसाब से काफी तगड़ी सी परफॉर्मेंस भी मिलेगी और एनर्जी एफिशिएंसी भी मिलेगी और साथ में आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज का कॉम्बिनेशन मिलता है और हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलती है इस डिवाइस के अंदर। अगर यहां पर बात करते हैं Realme 3 Pro की तो इस डिवाइस के अंदर आपको मिलती है स्नैपड्रैगन 710 की चिपसेट, 10 नैनोमीटर वाली है, एनर्जी एफिशिएंट है और परफॉर्मेंस में भी तगड़ी है और काफी ऑप्टिमाइज्ड आपको चिपसेट देखने को मिलती है क्वालकॉम की तरफ से। और दूसरी तरफ यहां पे बात करते हैं रैम और स्टोरेज कॉम्बिनेशन की, तो 6GB रैम है, 128GB की आपको ऑनबोर्ड स्टोरेज है, डेडिकेटेड एसडी कार्ड की स्लॉट आपको प्रोवाइड की गई है इस डिवाइस के अंदर। एंड फॉर योर रेफरेंस मैं स्क्रीन के ऊपर जो बेंचमार्क स्कोर्स हैं दोनों डिवाइसेस के वो भी डिस्प्ले कर दूंगा, जिससे आपको एक अच्छा सा आइडिया और मिल जाएगा। और अगर यहां पे बात करते हैं गेमिंग की तो ओप्पो F11 का जो माली G72 MP3 वाला जीप भी अच्छे से गेमिंग को हैंडल करेगा, पबजी भी चल जाएगी एचडी के ऊपर और दूसरी हैवी गेम्स भी चलेंगी। Realme 3 Pro की बात करें पबजी भी चलेगी, हैवी गेम्स भी चलेंगी और फोर्टनाइट जैसी हैवी गेम जो ओप्पो F11 सपोर्ट नहीं करता Realme 3 Pro स्पीड वेकन जो है ये सपोर्ट करता है, मीडियम सेटिंग के ऊपर काफी अच्छे से रन करते हुए नजर आएगी, जो एक अच्छी चीज है गेम लवर्स के लिए। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस दोनों साइड के ऊपर अच्छी है, गेमिंग में यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा Realme 3 Pro को और 2GB रैम भी एक्स्ट्रा है और 64GB स्टोरेज जो ऑलमोस्ट डबल है ओप्पो F11 से वो भी आपको देखने को मिलती है। तो मेरा जो ओपिनियन है आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस और रैम और स्टोरेज के कॉम्बिनेशन में Realme 3 Pro को कंसीडर करना चाहिए, बाकी अगर आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो है ओप्पो F11 तो आप इस फोन को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन Realme 3 Pro के होते हुए आपको बेटर वैल्यू और बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अब जरा यहाँ पे बात करते हैं दोनों डिवाइसेस के कैमरा परफॉर्मेंस की, कि आपको कैमरा परफॉर्मेंस किस डिवाइस की ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगी। ओप्पो F11 की बात करते हैं तो यहाँ पे बैक पे डबल कैमरा सेटअप है, काफी अच्छा कैमरा सेटअप है, 48+5 MP, प्राइमरी सेंसर है 48 MP वाला, अपर्चर है F1.8 का और साथ में 5 MP वाला एक डेप्थ सेंसर है जो ब्लर और बूक इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। कैमरा मोड
मोड्स की अगर बात करते हैं, यहाँ पे नाइटस्केप मोड अवेलेबल है, स्लो मोशन अवेलेबल है 120 fps के ऊपर, और 4K की रिकॉर्डिंग ये डिवाइस सपोर्ट नहीं करती। आप मैक्सिमम 1080p के ऊपर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो मैक्सिमम 1080p की रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करती हुई आपको नजर आएगी। Realme 3 Pro की बात करते हैं तो यहाँ पे बैक साइड पे डबल कैमरा सेटअप है, 16+5 मेगापिक्सल। 16 मेगापिक्सल वाला जो प्राइमरी सेंसर है उसका अपर्चर है f1.7 का, और ये सोनी का IMX519 वाला सेंसर है जो OnePlus 6T के अंदर यूज किया गया था, और साथ में 5 मेगापिक्सल वाला डेप्थ सेंसर है। अगर कैमरा मोड्स की बात करें तो 4K रिकॉर्डिंग भी ये डिवाइस सपोर्ट करती है, नाइटस्केप मोड भी है, क्रोमा कलर बूस्ट की ऑप्शन भी है, और यहाँ पे आपको जो EIS इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है वो भी देखने को मिलती है, जो 1080p तक की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करती है। तो बैक कैमरा से ओवरऑल अगर देखें दोनों डिवाइसेस की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन Realme 3 Pro के अंदर जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा आपको मोड्स देखने को मिलते हैं, 4K रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, उसकी वजह थोड़ा सा एज रहेगा, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस दोनों डिवाइसेस की अच्छी है बैक कैमरा से। फ्रंट पे आए, ओप्पो F11 के आपको फ्रंट साइड पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है विद अपर्चर f2.0, जो अच्छी सी आपको सेल्फीज वगैरह भी प्रोवाइड करेगा। और Realme 3 Pro की बात करें तो 25 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है यहाँ पे विद अपर्चर f2.0, तो डिफरेंस आपके सामने है, एक तरफ 16 मेगापिक्सल है, दूसरी तरफ 25 मेगापिक्सल है, तो डेफिनेटली आपको Realme 3 Pro के अंदर जो सेल्फी शूटर है इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे मेरे ओपिनियन की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको कैमरा परफॉर्मेंस में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप Realme 3 Pro के साथ में जा सकते हैं। बाकी Oppo F11 भी अपनी प्राइस के हिसाब से अच्छा था, आप अच्छी आपको कैमरा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा, आप इस डिवाइस को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पे डिस्कस करते हैं दोनों डिवाइसेज की, बैटरीज की, फास्ट चार्जिंग की और अवेलेबल सेंसर्स की। तो दोनों डिवाइसेज के अंदर आपको एक अच्छी बैटरी कैपेसिटी प्रोवाइड की गई है, ओवर 4000 mAh की बैटरी आपको दोनों साइड्स के ऊपर देखने को मिलेगी। और बिकॉज दोनों ओप्पो की डिवाइसेज हैं, एक ओप्पो की डिवाइस है, दूसरी उसका रियलमी जो सब ब्रांड है उसकी डिवाइस है, तो आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट के साथ साथ यहाँ पे जो उनकी प्रोप्राइटरी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है 20 वाट की, वो फ्लैश चार्ज 3.0 आपको दोनों साइड्स के ऊपर देखने को मिलेगी। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एक फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा, तो डिवाइस काफ़ी अच्छे से फास्ट चार्ज भी करेगी, और एक अच्छा सा बैटरी बैकअप भी आपको दोनों साइड्स के ऊपर नॉर्मल टू मोटेड यूसेज में 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से देखने को मिलेगा। अगर सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी भी टाइप के दोनों साइड से कोई कंजूसी नहीं की गई, आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है डिवाइस की बैक पे, आपको फेस आईडी भी मिलती है दोनों साइड्स के ऊपर, और यहाँ पे जायरोस्कोपिक सेंसर भी आपको दोनों साइड के ऊपर सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, यानी आप 360 जो वीडियोस हैं, जो वीआर कंटेंट्स हैं, दोनों साइड के ऊपर एंजॉय कर सकते हैं। तो बैटरी भी अच्छी है, फास्ट चार्जिंग भी आपको दोनों साइड के ऊपर मिलती है, और जायरो सेंसर भी आपको दोनों साइड के ऊपर सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और अब आता हूं यहां पे मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट और अपने फाइनल कंक्लूजन के ऊपर कि इन दोनों में से कौन सी डिवाइस आपको बेटर वैल्यू देगी और आपको अपने पैसे को किस डिवाइस के ऊपर इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जो दोनों डिवाइसेस हैं वो ऑलमोस्ट एक ही ब्रांड की तरफ से हैं, रियलमी ओप्पो का ही सब ब्रांड है, लेकिन रियलमी ने जैसे अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की है और आपको एक एक्स्ट्रा जो फीचर्स है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ये बहुत ही वेलकमिंग चेंज है, और इस नई चीज के अंदर ओप्पो ने जो पेरेंट ब्रांड है ओप्पो इसे भी आउटक्लास कर दिया है, और मार्केट के अंदर जो एक ट्रेंड सेट किया है इस चीज का वो भी बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर में भी दूसरे ब्रांड्स को फॉलो करना पड़ेगा। और रीसेल की जहां तक बात रही रियलमी की, अभी थोड़ी कम है, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे ये हाइप क्रिएट करता है अपनी जो रीसेल है उसे बहुत जल्दी से ये रीगेन कर लेगा, लेकिन फीचर्स के हिसाब से और वैल्यू के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। अब दोनों डिवाइसेस की जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे 4GB के बजाय 6GB रैम चाहिए, आपको 64GB के बजाय 128GB स्टोरेज चाहिए, आपको 4K रिकॉर्डिंग चाहिए, आपको बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए, आपको फोर्टनाइट गेम खेलना है, या आपको बेटर सेल्फी लेनी है, आपको बेटर वैल्यू चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि आपको कंसिडर कर लेना चाहिए यहाँ पे Realme 3 Pro को। लेकिन अगर आप यहाँ पे Oppo के फैन हैं, आप Oppo की डिवाइस को बाय करना चाहते हैं, Realme आपको अच्छा नहीं लगता, तो फिर आप 37,000 रुपये के ऊपर Oppo F11 को भी कंसिडर कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी डिवाइस है, आपको अच्छी सी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों डिवाइसेज के बारे में, बाकी आपको क्या लगता है कि ओवरऑल दोनों डिवाइसेज में से कौन सी डिवाइस आपको बेटर वैल्यू देगी, और आप किस डिवाइस को बाय करेंगे और क्यों बाय करेंगे, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। वीडियो कहीं पे भी हेल्पफुल रही हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो नहीं देखती, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।